प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी 7th क्लास इंग्लिश बुक हनीकॉम के अंदर हमारा चैप्टर है द इन्वेंशंस ऑफ विटा वोंक। इसके कुछ एमसीक्यूज हम देखते हैं वन बाय वन। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें व समझें। पहला इसमें दिया गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का नाम बताना है हमें। क्वालिटी, गोपाल एंड हिल्सा फिश, द इन्वेंशन ऑफ विटा वोंक या 3 क्वेश्चन। तो इसका हमारा जो है द इन्वेंशन ऑफ विटा वोंक, ये सी को हम जो है क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। इस जो चैप्टर है इसका जो है राइटर कौन है। लियो टॉल्स्टॉय है या रोल धाई, जॉन डोने या जॉन कीट्स, तो इसमें से कौन सा है ये हमें जो है बताना है। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा सेकंड बी पार्ट को हम क्लिक करेंगे, ये रोल धाई हमारा इसके अंदर जो है राइटर है। नेक्स्ट हु रोल्ड अप हिज स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। मिस्टर वोंका, मिसिस वोंका या मिसिस नोंका या मिसिस झोंका, तो इसका हमारा जो राइट आंसर हमारा है वो है ए हमारा सही रहेगा, मिस्टर वोंका को हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट द डैश वाज बिगनिंग टू कम। इसमें हमें डैश में खाली स्थान में हमें जो है वो भरना है, तो इसमें हम जो है द डैश वॉज बिगनिंग टू कम यानी क्या आने शुरू हो गए थे, तो आइडिया थे, तो इसको सी को हम क्लिक करेंगे, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द चार्ली विच इज़ द ओल्डेस्ट लाइविंग थिंग। सबसे जो पुरानी जो लाइविंग थिंग है वो जीवित वस्तुएं क्या है। ए इसमें दिया गया है पीपल है या एक ट्री है या एक पिग है, सूअर है, या बोथ ए एंड बी है, दोनों है, तो इसमें से हमारा जो है सही आंसर हमारा जो है ए ट्री हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी को हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आगे है हु सेड दैट द ओल्डेस्ट थिंग इज ए ट्री। किसने कहा था कि सबसे जो पुरानी चीज़ है वो एक पेड़ है। मिसिज वोंका ने कहा, निवेदा ने कहा, ए ट्री या चार्ली, किसने कहा था, तो हमारा ये जो है हमारा जो है डी हो जाएगा, चार्ली इसको हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिर का मतलब क्या है, इसका अर्थ हमें जो बताना है, तो ए ट्री विद नीडल लाइक लीव्स, ए हमारा सही हो जाएगा, ए को ही हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ ए ट्री कॉल्ड डैश पाइन, या खाली स्थान में हमें भरना है, तो इसमें ए दिया है रिस्टिकॉन, क्रिस्टिकॉन, डिस्टिकॉन, ऑल ऑफ, तो इसमें हमारा जो है सी को हम क्लिक करेंगे, ये हमारा जो है सी हमारा आंसर हो जाएगा। 9th है वेयर इज ब्रिस्टलकोन पाइन ट्री, ये कहाँ पर है, जगह का नाम बताना है। जापान में है, इन यूएस नवेदा यूएसए में है, इन फ्रांस में है, या इसमें से कोई भी नहीं है, तो हमारा जो है इन बी हमारा सही हो जाएगा, इन नवेदा यूएसए। वेयर कैन वी फाइंड ब्रिस्टलकोन पाइन, कहाँ पर हम ढूंढ सकते हैं ब्रिस्टलकोन पाइन जो ट्री था उसको हम जो है कहाँ पर जो है हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसका हम जो है व्हीलर पीक नवेदा में है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, ए को हम जो है क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा है हाउ मैनी ओल्ड ईयर आर ब्रिस्टलकोन पाइन। ब्रिस्टलकोन पाइन जो ट्री है उसकी उम्र कितनी है, 3000 ईयर्स है या 2000 ईयर है या 4000 ईयर है या 6000 ईयर है, तो इसमें हमारा जो है 4000 ईयर हम जो है सी को जो है क्लिक करेंगे, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओक, ओक का अर्थ हमें बताना है। ओक का मतलब क्या है, फैमिली ऑफ लार्ज ट्री है या फैमिली ऑफ लार्ज ट्री विद हार्ड वुड है या फैमिली ऑफ लार्ज प्लांट है, तो इसमें से हमें जो है देखना है हमारा जो है सेकेंड पार्ट इसमें ठीक हो जाएगा, सेकेंड को हम जो है क्लिक करेंगे, ए फैमिली ऑफ लार्ज ट्री विद द हार्ड्स वुड। नेक्स्ट हमारा है
द चिनार इन डैश इज काइंड ऑफ ओक ट्री, ओक ट्री का एक प्रकार है ये। ये कहाँ पर है, जयपुर में, बिहूर में, कश्मीर में, बोथ ए एंड बी। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ये कश्मीर है, कश्मीर को हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट 14 है, एन एग लेड बाय ए 200 ईयर ओल्ड टॉर्टवाइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ, कहाँ के राजा से संबंध रखने वाला जो है वो कछुए का जो है वो टोंगा, मूंगा, पाइन या नन ऑफ दीज। तो हम हमारा टोंगा हो जाएगा, ए को हम जब क्लिक करेंगे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द टेल ऑफ 51 ईयर्स ओल्ड इन अरबिया, अरबिया में जो 51 वर्ष जो पुराना है वो पूंछ है वो किसकी है, टोर्टवाइज की है, रैट की है, हॉर्स की है या ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें हमारे जो है वो चूहे की वो जो पूंछ है, और इसको हम जो है बी को हम जो है क्लिक करेंगे, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ए 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड, 36 साल जो पुरानी जो बिल्ली है वो किस नाम से पुकारी जाती है, वो है केदार से, पाइन से, क्रम्प से या तिब्बत से। तो हमारा जो ये सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्रम्प के नाम से सी को हम क्लिक करेंगे। अगला है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केदार, का अर्थ हमें जो है वो बताना है। तो केदार क्या है, ए ट्री यूज टू मेक बॉक्सेस, पेंसिल्स एंड फैंसीज, ए हमारा सही हो जाएगा, ए को हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आगे हमारा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लिया, फ्लिया का अर्थ हमें जो है वो बताना है। ये स्मॉल इंसेक्ट होता है या स्मॉल बर्ड होता है या स्मॉल एनिमल होता है, तो डी हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, ये स्मॉल इंसेक्ट लिविंग ऑन द स्किन्स ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ब्लड। नेक्स्ट आगे है द डैश ऑफ 700 ईयर ओल्ड कैटल फ्रॉम पेरू, 700 साल पुराना जो ओल्ड कैटल है फ्रॉम पेरू से, इसका हमें बताना है। तो ये हमारा जो है सी सही हो जाएगा, सी को हम जो है क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है हु वाज मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका जो वो कौन था, तो मिस्टर वोंका एक इन्वेंटर था, बी को हम जो है क्लिक कर देंगे, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इस लेसन से संबंधित हमने MCQs की वीडियो ये देखी है, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। इसे आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें, वीडियो को बार बार देखें व समझें। अगर आप अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखिए। वंस अगेन थैंक्स।